और अब बात थपकी बार बिहार में किसकी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सात निश्चय पार्ट टू जारी किया। साल 2015 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सात निश्चय पार्ट वन जारी किया था, जिसमें बिहार में विकास कार्यक्रम का लेखा जोखा था। और उसी तरह से सात निश्चय पार्ट टू को सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च किया, लेकिन सवाल तो पहले ही सात निश्चय योजना पर उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या निश्चय पार्ट वन योजना पूरी हो गई। निश्चय पार्ट टू से करेंगे वैतरणी पार। जेडीयू ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, विपक्ष ने पहले निश्चय का मांगा हिसाब। तो दंगल से पहले सीएम नीतीश ने सात निश्चय पार्ट टू का ऐलान कर दिया है। बकायदा इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें नीतीश ने अपना निश्चय बताया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सबको अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। लेकिन सात निश्चय पार्ट टू शुरू हो उससे पहले सात निश्चय पार्ट वन का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। सात निश्चय पार्ट टू का पोस्टर लगाने से अब जेडीयू को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले जो सात निश्चय पार्ट वन थे उसका हिसाब जनता मांग रही है। कौन ऐसा कहता है कि पहला ठीक नहीं हुआ? लोगों को ये जरूर कहना चाहिए कि कांग्रेस और आरजेडी ने इस देश में 58 वर्ष शासन किए, उसके बाद नीतीश कुमार जी को जनता का आशीर्वाद मिला। जेडीयू दावा कर रही है कि सात निश्चय पार्ट वन कामयाब है, लेकिन उसके दावे पर तो बिहार की जनता ही सवाल उठा रही है। यकीन न हो तो देख लीजिए, क्या करके देख लीजिए, मेरे गांव में कोई नल जल नहीं, सिर्फ पैसा निकासी कर लिया गया है। हम लोग का नल जल के काम हुआ है, कभी भी पानी गिरा है जाके चेक किया जाए, के चेक करे। नल का पानी पहुंच रहा है? ना, नल का पानी नहीं पहुंचा है। नल का पानी गाँव में नहीं पहुँचा है? कौन सा गाँव है? उसी धवा कल बिगा। घर में, आपके घर में पीने का पानी, नल का पानी पहुँचा है? नहीं पहुंचा। आपके घर में नल का पानी पहुंचा है? नल का पानी नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा है। तो सरकार कह रही है कि नल का पानी हर घर में पहुंचा दिया? घर घर में कहीं पहुंचा है, कहीं नहीं पहुंचा है। पर एनडीए को जनता के इन सवालों से फर्क कहां पड़ता है? उन्हें तो यकीन है कि सात निश्चय पार्ट टू के ऐलान से सत्ता की कुर्सी थोड़ी और नजदीक हो जाएगी। सात निश्चय पार्ट टू बिहार की समृद्धि का नया संदेश लेकर आया है। सात निश्चय पार्ट वन की तरह ही बिहार को समृद्ध और सशक्त बनाने की यह योजना है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जब भी चुनाव होता है तो बहुत सारे चुनावी जुमले पढ़े जाते हैं, और उसी का एक अपने आप में प्रमाण है इस बार का सात निश्चय। तो चलिए जनता को तय करने देते हैं कि सात निश्चय के पार्ट वन से खुश होकर पार्ट टू का स्वागत करेगी, या फिर पार्ट वन की खामियों को देखकर जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। सीएम नीतीश ने 6 जिलों के 11 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर निश्चय संवाद कार्यक्रम के जरिए अपना संदेश दिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार के लोगों ने 2005 से जो काम करने का मौका हमें दिया, 3 टर्म में हमने न्याय के साथ विकास किया है। समाज के हर तबके और हर इलाके का उत्थान जेडीयू ने किया। 2005 से जो काम करने का मौका दिया है और 3 टर्म से हम लोगों ने काम किया है, और जितना मजबूती के साथ काम किया है, हमारा क्या उद्देश्य रहा शुरू से? न्याय के साथ विकास, और इसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और यही प्रारंभ से करते रहे। अगर इसको देख लीजिए, और हम तो बराबर कहते रहे कि जो हालत पहले था वो कितना बुरा हाल था, और उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तो कितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने काम किया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।